अभी माशाल्लाह जी बारी आ चुकी है हमारा अदरक और लहसुन ऐड करने की। क्यों माशाल्लाह जी अभी बारी आ चुकी है जी नमक ऐड करने की। माशाल्लाह जी इस कंडीशन में हमारी फिश जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी चेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें खाना वगैरह जो है वो लग चुका है। तबीयत अभी कैसी है आपकी? तबीयत दवाइयों पर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कैमरे में नहीं आने वाले इसलिए मैं ना कैमरा साइड साइड से घुमा रहा। मान रहे जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी निक्की सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के आपको दिखाते हैं मजेदार सा वीआईपी सा व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जो है शाम का हमारा शुरू हो चुका है, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं आज की वीडियो जो है ना वो शुरू। एक जी हम बनाएंगे भिंडी की रेसिपी और दूसरी हम बनाएंगे फिश, क्योंकि नादिया के जो सिस्टर और इनके जो वो अपना भाई आए हुए हैं ना, तो वो हैं बीमार। जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं काफ़ी अरसा जो है बीमार रहे हैं। नाजा की सिस्टर भी बीमार रही है, तो भाई भी बीमार रहा है, तो इस वजह से डॉक्टर ने ना चिकन वगैरह ये चीज़ें जो है मना कर दिया है, चिकन गोश्त बड़ा इस तरह का ना। फिर मैंने कहा कि आज ऐसे करते हैं, ये भिंडी भी ले आते हैं और साथ फिश भी ले आते हैं, तो जो चीज़ किसी का दिल करेगा वो खाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे भी होगा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, जितनी भी रेसिपियाँ बनाएंगे जैसे भी बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने ज़रूर वीडियो जो है सब पिक नहीं करनी, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है जी। मुंशी साहब क्या हो रहा है, छुट्टी हो गई है? हाँ। 4 बजे ये कौन सा टाइम है? 5 बजे छुट्टी होती है, आप 4 बजे छुट्टी कर गए हो? काम ख़त्म, भर्ती वाली मिट्टी ख़त्म हो गई। वाह वाह जी वाह, बड़े काम वाले बंदे हैं, काम करते हैं दोनों, आपस में लड़ते भी रहते हैं हंसते भी रहते हैं, और जो भी बाइक पे कोई चीज़ सामान लेकर आते हैं तो ये देखते देख देख के हंसते हैं कि कोई चीज़ खाने वाली हो तो फिर मिल जाए ऐसे। हाँ जी हम आज देखा है कुछ माल पूरा आप लेते आ रहे थे। और इधर जी मेरे परिंदे बैठे हैं, ये एक और ये नीचे, और बाकी जैसे आपको पता है ये छुप जाते हैं। वसीम कहाँ गए थे? खेलने गए थे। चलो जी अजाने आ रही हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में। कितनी देर है? बस यही मिसाले काटने हैं, क्योंकि आपने 2 रेसिपियाँ बनानी हैं, 3 फिर टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं टाइम तो लगेगा, लेकिन ये काट लूँ तो फिर भिंडी पे टाइम तो इतना नहीं लगेगा, लेकिन फिश पे भी इतना टाइम तो खैर नहीं लगेगा, रोटी वगैरह भी बनानी है ना फिर। हाँ, काफ़ी काम होता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर। माशाल्लाह जी असगर भाई जो है वो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाया जी लुक शुक बनाई हुई है, कांच की तैयारी है? नजर ना लगा देना यार। नहीं मेरी नज़र तो लगती नहीं है। तेरी नहीं लगती, लेकिन देखने वालों को शायद लग जाए। वो यार माशाल्लाह जी कह देना जी साहब ने माशाल्लाह करनी है। हाँ जी माशाल्लाह लिख दें तो ठीक है, लिख दें तो ठीक है, नहीं तो ये इसको नज़र कोई लग गई तो फिर ये कहेगा कि आपने वीडियो में मेरी लुक दिखाई है इसलिए मुझे नज़र लग गई है। हाँ जी और सुनाए जी कैसे आना हुआ है? वैसे मैंने कहा कि देख लें मेहमान हैं उनके, चलो मेहमान आए हुए हैं उनसे बातचीत कर लें जी, आप जो है इनसे भी बातचीत कर लें, क्या हो रहा है मैंने कहा। सही सही सही। हाँ जी यही देखना था। और बैठे कोई चाय बोतल मंगाए? बहुत मेहरबानी। नहीं आपको तो हमने बुलाया नहीं है। आ गए हैं यार। और भाई हमने तो उनको बुलाया नहीं है, आपको बुलाया है। नहीं यार मेहमान। हाँ एक लगा दो। जब तुम अभी आ रहे हो तो पहले आवाज लगा के आ रहे हो, वो मुझसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है, मैंने सोचा दिमाग खराब करके रख देते हो। सही है ना? हाँ लगाओ 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 कर फोन फट्टा मोबाइल ही में।
नहीं वैसे मैंने तो आपको कहा है ना कि बोतल चाय ये चीजें, लेकिन ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था मंगाओ मंगाओ। हाँ मंगाओ, ये पीने के लिए है, मंगाओ मंगाओ। जहाँ भी देखता है ना कोई चीज खाने पीने की मिल जाए इसको, मिल जाए इसको। अल्लाह पाक ने पेट दिया है ना खाने पीने के लिए दिया है। पेट दिया है नहीं, खाना पीना मतलब जो खिलाते हैं उसका मसला है ना। जो खाते हैं पेट का ही ख्याल कर लो, जो खाते हैं उसका खाना किसी और का है, पेट आपका है, पेट तो आपका है ना। और ऊपर डॉक्टरी करते हो, डॉक्टर आप बोलते हो खाओ पियो नहीं, फिर अल्लाह पाक पेट ना देता बंदे को, ना खाता पीता। अच्छा मनो सलवा से जैसे आते थे ना खाना, मनो सलवा जैसे जन्नत से आता था ना, तो वो सही था। लेकिन पता नहीं उस टाइम उन्होंने क्या जो है ये किया सिस्टम, नहीं हमने जी मनो सलवा नहीं खाना है, हम दुनिया की ये चीज देते। मतलब आपके कहने का उस दिन से ना, चलो अल्लाह पाक बेहतरी करे जी। ये भी मनो सलवा वाला है। हाँ जी, कहीं मिल जाए बात खा लें, कुछ से नहीं कमाई करनी, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाता। हाँ कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खाओ खाओ खाओ। हाँ खाएंगे पिएंगे, टेंशन नहीं है। माशाल्लाह आज बड़े सज रहे हो, खैर है। मैं नहीं, आज तो मैंने नहाया भी नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं की है। ऐसे यार आप कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे अगर बात करूंगा तो नाराज हो जाएगा, खुद से इकरार करेगा। आपने सोचा अगर इसको ड्रेक कह देता हूँ कि नहा भी लिया कर तो ये गुस्सा कर जाएगा? इससे बेहतर है कि ये खुद अपनी जुबानी कह दे कि आज मैंने, क्योंकि हम ना वो गारा वगैरह बना रहे थे, हमने वो चूल्हे का सिस्टम बनाना था, चूल्हा वगैरह बनाना था किचन, तो फिर मेहमान आ गए, तो मेहमानों में मसरूफ हो गए, फिर इस वजह से हमने वो काम उधर रोक दिया, फिर इस वजह से किचन वो किचन रखा है। ये इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिंदगी बखैर। तो बाकी अभी जो है रेसिपी का काम हमारा चल रहा है, रेसिपी वगैरह बनाते हैं क्योंकि एक दो रेसिपियां बनानी है। तो फिर किचन में कहाँ बना रहे हो? किचन उधर ही बना रहे हैं, उस ये जो गेट के सामने दीवार आ रही है ना, इधर लगाएंगे दीवार, ये सामने इधर दीवार लगाएंगे, फिर इधर ऐसे वो कोने में किचन आ जाएगा, मुकम्मल चूल्हा बना देंगे। नहीं दूर नहीं है, और कोई और जगह नहीं है चास की, और कोई जगह नहीं है मुनासिब। नहीं ये तो फिर कमरों का आगे आ जाता है ना, पहले भी वो गलती हुई है, ये बाथरूम वगैरह जो है ये भी गलत मैंने बना दिया, तो फिर एक गलती की है फिर और नहीं करेंगे। और उधर जो है ना हमने इंशाल्लाह बनाना है बाथरूम, वहाँ पर लगाने थे बाथरूम, बिल्कुल कोने में लगाने थे, जहाँ पर पहले थे ना उनको तोड़ के उधर ही बनाने थे, बेशक एक बना लेते क्योंकि दो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। पहले मैंने वो बैठक की जगह छोड़ दी थी कि बैठक बनाएंगे, लेकिन अभी जो है मेरा दिमाग घूम गया कि उधर बैठक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असगर भाई की बैठक बनी हुई है, अहमद भाई की बैठक बनी हुई है, खुद खाएंगे। बात की जी, नसीब वाली बात, बिल्कुल हर कोई अपना नसीब लेता है। हाँ जी, जितने भी हम इनके लिए, मेरा बात करने का मकसद, मेरा बात करने का वो बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप जो है आपका जो फर्ज है वो पूरा करें। हाँ आगे उनका नसीब, उनका अपना नसीब है। और ये बात मैंने इसलिए की है कि ये कह रहा था ना मंगाओ बोतल, इसके नसीब में होती तो पीता। हाँ नहीं है, नहीं मिली इसको, नहीं तो अब दस्तार के नसीब में है। नसीब हाँ अब दस्तार के, अब दस्तार के नसीब में है, मेरे नसीब में नहीं है, नहीं है। माशाल्लाह जी सामान जो है आस्ता आस्ता रेडी हो रहा है, नादिया जो है इधर चोल के नज़दीक सारा सामान रेडी करके आ रही है, घी भी आ चुका है, ये पतीली भी आ चुकी है। इस पतीली में क्या बना रही हो? इस पतीली में भिंडी बना रही हूँ। अच्छा कढ़ाई में फिर क्या बनाओगी? कढ़ाई में फिश बनाऊंगी। फिश? हाँ जी। अच्छा जी, क्योंकि ये पतीली में तो भिंडी बन जाएगी ना, फिश जो है ना वो खुले बर्तन में बनी जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कढ़ाई में फिश बनाऊंगी। कढ़ाई में फिश बनेगी, और इधर जी ये बनेगी भिंडी, और दो रेसिपियाँ आज हम बना रहे हैं। पहले मैंने कहा भिंडी बना के रख देती हूँ, सही है, फिर फिश बनाऊंगी। सही हो गया, ये भी आपकी फैसला जो है ना जबरदस्त है। हाँ जी, और लम्बादार आप सुनाए, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जबरदस्त है। जबरदस्त क्या हो रहा है? बस वैसे वैसे घूम रहे हो? हाँ जी सही है, घूमते रहो। पिलाओ बना लिया है, इतना जल्दी बना भी लिया है? हाँ जी अपना बनाया है जी, बहुत तेज है। हाँ जी आप बहुत तेज हो। हाँ जी लेकिन हम काफी लूज हैं, हम तो हमारा काफी टाइम लग जाता है भी लोग बनाते बनाते।
फिर इसलिए तो आप हमारे से आगे हैं ना काफ़ी। चलो जी, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह जी। और ये मुकम्मल रेसिपी नादिया विलेज फूड, आपने नादिया विलेज फूड को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है क्योंकि उस बेचारी के कोई वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो रहा। 100 घंटा मेरा रहता था वॉच टाइम में, लेकिन बहन भाइयों ने इतनी सपोर्ट भी नहीं की कि मेरा 100 घंटा जो है वो पूरा हो जाए। वो ये इतना व्यूज नहीं आ रहा ना, वो बहन भाई देखने वाले 100-200 बहन भाई आती हैं, तो मैं कहता हूँ कि 5-7 हज़ार जो है ना बहन भाई देखें आपकी वीडियो नादिया विलेज फूड, क्योंकि आज की जो उसके ऊपर ये रेसिपी वाली वीडियो तो आने वाली है ना, मैं कहता हूँ क्या कमाल वीडियो होगी। मैं तो वैसे बना रहा हूँ ये भिंडी वगैरह ये चीज़ें, और उस चैनल पर मुकम्मल रेसिपी आपको नज़र आएगी माशाल्लाह। और नादिया विलेज फूड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है बहन भाइयों के साथ, ताकि नादिया विलेज फूड जो है ना वो मोनेटाइज हो सके। हाँ जी, हाँ जी, भिंडी बन गई कि नहीं बनी? अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है, बस थोड़ी सी देर है। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। भिंडी जो है ना वो रेडी हो चुकी है, और फिर दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। सही हो गया, क्योंकि जल्दी से वो भी बन ये आग पे तो वैसे जल्दी बन जाते हैं ना। हाँ जी, आग पे ना ये मुकम्मल आग लगती है ना, फिर जो है ना ये जल्दी से बन जाती है। अगर ये सिलेंडर पे हम बनाते हैं ना तो चाहे जितना भी ज़्यादा आग हो लेकिन वो कम होती है, जो ये लकड़ी की आग होती है ना ये बहुत ज़्यादा होती है। सही है। तो माशाल्लाह ये देखें भिंडी जो है मेरी अभी तैयार रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भिंडी नज़र आ रही है, लुक भी बहुत प्यारी बनी हुई है। चलो ये बन गई है, फिर इसके बाद फिश शुरू करते हैं। हाँ, फिश बनाते हैं, फिर फिश शुरू करते हैं। अभी माशाल्लाह जी बारी आ चुकी है हमारा अदरक और लहसुन ऐड करने की, क्योंकि नादिया विलेज फूड पे वो वीडियो मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए मैंने अकरम खान व्लॉग्स पे जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये ना कहना कि आधी वीडियो इधर है आधी उधर है, लेकिन जो भी बहन भाई देखने वाले हैं वो दोनों चैनलों पर जाएं और नादिया विलेज फूड पर देख लें, और बाकी की रेसिपी जो है वो आपको अकरम खान व्लॉग्स पर मुकम्मल रेसिपी नज़र आ जाएगी। हाँ जी। और मिसालें हमारे अभी जो है अच्छी तरह से भुनाई हो रहे हैं, जैसे ये भुनाई होते हैं फिर उसके बाद जो है हम इसमें फिश ऐड करेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मिसाला जो है अभी काफ़ी भुनाई हो चुके हैं, बस थोड़े से रहते हैं, थोड़ा सा टाइम रहता है। ये जैसे ही अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें फिश डालेंगे। सही हो गया जी, जल्दी जल्दी बना लें, ये ना हो फिर इसमें भी अंधेरा हो जाए, फिर ये मोबाइल भी कहे कि मैंने भी नहीं बनानी। जी, बात आपकी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर जो है ना हमारी लाइट वगैरह नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है, और उस जगह पर तो लाइट है लेकिन किचन हमारा वहाँ नहीं है। जब हम इधर बना रहे हैं ना अभी, फिर वो लाइट का भी सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह। तो इधर जैसे हमारा किचन वगैरह ओके हो जाएगा, लाइट की सख्त जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमारा ये सामान होता है वीडियो बनाने का, रेसिपियां बनाने का, तो इस वजह से ना मैं कहता हूँ इधर ना वो डीसी वाली ले आएंगे पॉइंट। हाँ सही बात है, क्योंकि वो जो हमारी बैटरियां वगैरह रखी है ना उसका जो मुकम्मल है ना सेटअप, वो वाला एक बोर्ड इधर ले आएंगे, उस पे जब हमें जरूरत पड़ेगी बैटरी से चला लिया, बड़े वाली लाइट चला दी, बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा, VIP रेसिपियां जो है वो नजर आएंगी, माहौल बन, बन जाएगा। अभी अच्छी तरह से जी मिसाले बुनाई हो रहे हैं, लेकिन फिश ऐसे बनानी है जैसे बनाती हो, आपको तो पता है ना कि आप कैसे बनाती हो। हाँ, VIP तो VIP करके फिश बनानी है आज। आज बहन भाई भी कहेंगे कि देखें कभी हम नादिया विलेज फूड पर जा रहे हैं, कभी अकरम खान व्लॉग्स पर आ रहे हैं, कभी नादिया विलेज फूड पर जा रहे हैं, कभी व्लॉग्स पर आ रहे हैं, तो ये उनकी मोहब्बत होगी, प्यार होगा जी। हाँ, और दोनों चैनलों को आपने जरूर देखना है जी। क्या ले आए? दूध, पापड़ और चीजी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये भी साथ गया था? नहीं, ये दोनों घर थे। आप भी आप गए थे? हाँ जी। चलो सही है, ले आए, ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी, ये आप कहाँ से चीजी ले आए? ये वसीम ले आया। वसीम ले आया, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कहता है वसीम लेकर आया है, मुझे दी है। सच्ची बात है, आपको वसीम लेकर दिया है? अच्छा जी, माशाल्लाह जी। चलो खाओ खाओ, अयाशी करो अयाशी,
गर्मी है, पसीना आ रहा है, आग पे क्यों खड़े हो? आप उधर चले जाओ, उधर आप ही वालों के पास, उधर ना उधर बैठो, इधर गर्मी है बेटा। हम तो मजबूरी में और खाना बना रहे हैं, गर्मी में खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गर्मी में? गर्मी ज्यादा है ना, आग है ना, लकड़ी की आग वैसे भी जो है ना ज्यादा होती है ना, ये चूल्हे सिलेंडर पे बैठना, वो चूल्हे पे बैठना कम होती है, इधर जो है ना पर तो मतलब आग ज्यादा नहीं होती। हाँ, इधर आग जो है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये देखो ये ज्यादा आग होती है तो इसलिए गर्मी भी हो जाती है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, अभी बारी आ चुकी है जी नमक ऐड करने की, क्योंकि फिश में नमक था, मैंने पहले डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक ये जो है ना मैं कम डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही कि कड़वा ना हो जाए। हाँ जी, नॉर्मल डाल दें ताकि शोरबे वाली है ना, फिर बाद में देख लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर थोड़ा और डाल देंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी मिसाले भी हमारे माशाल्लाह। ये बेबो क्या ले आया? चार्जिंग। ये चार्जिंग वाली ग्रेपा है? हाँ देखो, हाँ ठीक है ठीक है, ये वाली मैंने मंगा ली है, अहमद भाई गया था तो मैंने कहा ये वाली ग्रेप जो है ना मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे चार्जिंग की रात की ग्रेप फट गई है मोबाइल की। हाँ। तो ये मैंने मंगा दिया, अभी बेबो लेकर आया है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपके बाबा आ गए क्या? हाँ नहीं, नहीं आए। ये तो फिर ये कौन ले आया? ये बाबा ले, और हरा वो, और अम्मा ले, और अल्लाह की अम्मा, और हाँ वो सब आ गए ना, लेकर आए, मतलब बाबा नहीं लेकर आए, सब लेकर आए। हाँ जी, तो अभी हमारी बारी आ चुकी है फिश डालने की, मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से बनाई हो चुका है। माशाल्लाह जी, फिश भी डाल रही हो? हाँ जी, ऐसा ऐसा सारा काम मुकम्मल कर रही हो? इंशाल्लाह। अंधेरा काफी है ना? हाँ, अंधेरा तो है, अंधेरा हो चुका है, हमारा रिजल्ट जो है ना मोबाइल का इसका भी ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में आपको अंधेरे पता है में रिजल्ट कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, अगर उस नहीं हो तो फिर तो रिजल्ट होता है। हाँ जी, अगर अंधेरा हो जाए तो फिर तो रिजल्ट साफ जाहिर है, काम ही हो जाता है। हाँ जी, चलो माशाल्लाह जी, अभी ये लुक चेक करें जी फिश की, और जैसे भी रेडी करेंगे फिश फिर कैसी बन जाएगी, क्योंकि फिश मैं जो है ना बहुत शौक से खाता हूँ, और कोई खाए ना खाए, नादिया भी बहुत शौक से खाती है, मैं भी बहुत शौक से, पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन जब से आपके साथ मिली हूँ ना तो फिर वो कहते हैं ना कि मिसाल है के वो कहते हैं ना कि गदरे के साथ ब्लैक भी बांध दो ना। हाँ। वो अगर कलर चेंज नहीं करता आधा जो है ना एक सेम कर जाते हैं। हाँ, तो वो आपकी आधा जो है ना बन चुकी है मेरे तरह, आप कहती हो चिकन आ जाए खा लूंगी, फिश आ जाए खा लूंगी, जो चीज भी होती है आप चीज है खा लूंगी। हाँ, इसमें मसला नहीं है, और बहुत शौक से ये खाती है, ये तो अभी मेरे से भी ज्यादा शौक से खाती है, लेकिन अल्लाह पाक जो है नसीब में करे, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए जी, और ये ना हो कि हम खाएं और शाम को ना पेट में जुलाब लगे पड़े हों। पेट में जुलाब लगे पड़े हों, पेट में जुलाब लगेंगे फिर। और कहाँ होते हैं उधर तो होते हैं, फिर ये ना हो कि हमारी पड़ पड़ गड़बड़ हो जाती है, हमारी पड़ पड़ शुरू हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पास जो है ना बेहतरी करेगा, बेहतरी करेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सब धनिया भी काटा जा रहा है ऐसे। हाँ जी, सब धनिया भी काट रही है आपकी मम्मा हाजरा, फिश बनती है तो मैं ये धनिया जो है वो ये काट के रख दूँ। सही है, आप बाद में फिर आप कहती हैं कि टाइम ना लग जाए, है ना? टाइम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरम गरम में धनिया डालें तो वो गल जाता है, खुशबू भी रहती है। माशाल्लाह जी, इस कंडीशन में हमारी फिश जो है वो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी चेक कर रहे हैं कि ये ना हो कि कच्ची स्मेल ना आए। हाँ जी, तो अच्छी तरह से इसको ना थोड़ी पकाई करते हैं, आग भी बुझी गई है और धुआं कर रही है, ये जो है ना सुहाजने की लक्कर मैंने इसके अंदर डाली हुई है, तो ये ने आग बुझा दिया इन्होंने। चलो देखते हैं फिर जी, आगे जैसे भी रेडी होती है फिर देखेंगे। हाँ, माशाल्लाह जी, अभी जो है ये थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं शोरबे का, थोड़ा सा एक गिलास बस, बहुत है, बस इतना ज्यादा नहीं डालना, बस ये इसमें पक जाएगी, और ये ना हो कि ये गल के ये चूरी बन जाए, हलाएंगे तो चूरी बनेगी ना, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। चलो जी, इसको फिर थोड़ा सा पका के ना फिर उतार लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आय हाय हाय हाय, मजा आ रहा है देख के तो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ही जबरदस्त फिश हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी है। और थोड़ा सा सब्ज धनिया भी ऐड कर दिया है आपने। हाँ जी। तो लोग को तो बहुत प्यारी आ रही है वैसे नादिया। है भी बहुत प्यारी। आपस में बैठे हैं, कैसी लग रही है आपको? बहुत ही मजेदार। मजेदार है ना? हाँ जी। अच्छा चलो, ये बहन भाई बताएंगे फिर कि कैसी है, तो आपने जरूर बताना है जी। ये आज की हमारी रेसिपी, ये देखें, ये मेरी फिश टूटी नहीं है। ये देखें, जैसे थी वैसे की वैसे ही है। ये देखें, बिल्कुल नहीं टूटी, बिल्कुल ओके हो चुकी है जी। और बाकी इंशाल्लाह अभी रोटी बनाते हैं, फिर रोटी जब खाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखें खाना वगैरह जो है वो लग चुका है माशाल्लाह जी। भिंडी भी है और फिश का सालन भी है। और इधर बैठे हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अभी कैसी है आपकी? तबीयत दवाइयों पर चल रही है बस, दवाइयाँ खाएं तो सही, ना खाएं तो फिर वैसी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और इधर बैठे हैं जी, और भाई सुनाएं जी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कैमरे में नहीं आने वाले इसलिए मैं ना कैमरा साइड साइड से घुमा रहा हूँ। तो खाना हमारा जी रेडी हो चुका है, नादिया भी बैठी है। हाँ जी। और वीडियो जी हमारे मुर्शिद साहब आप भी आ गए, दूसरा नहीं है आपके साथ? वो धोखा देकर चला गया। आप आ जाए जी, वो है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज वाले आपने देखे है ना? हाँ, वेस्ट इंडीज वाला। वो कहता है इसको मुंशी कहते हैं, मुझे वेस्ट इंडीज का खुद बोलता है। आ जाए, आ जाए भाई। मैं तो मुंशी को देख रहा हूँ यार, इतनी हमने खाना खाया ना, मैं अब हाजमा करने के लिए इधर उधर आया हूँ, लेकिन वो मसाला और बेल दे रहा है। तुमने कहा मैं थोड़ा सा टेस्ट लूंगा बस, बाकी आप और पकाना शुरू कर दें अगर वो टेस्ट करता है। नहीं अल्लाह, आधी रोटी तो सारी खा दी हूँ जी जी, आधी रोटी खा दी, आधी रोटी तो सारी खा दी हूँ, आधी रोटी दोपहर को भी खाई, अम्मी अबू भी नहीं बची। चलो जी, अल्लाह पाक खैर करे जी। और वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल हो रही है, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।